आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं सुविनायक तिवारी आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं, शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथिलेश जैन ने महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम। कटनी, डीजल पेट्रोल एवं घरेलू गैस की महंगाई को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिशन चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास एकत्रित होकर पेट्रोलियम डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिथिलेश जैन, राकेश जैन कक्का एवं कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। रिपोर्ट मतीन खान एवं जावेद खान, आरपीकेपी इंडिया न्यूज, कटनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो निरंतर वृद्धि की है, कि कटनी में पेट्रोल 106 रुपये लीटर और डीजल लगभग 95 रुपये लीटर हो गया है। कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल की कीमत 60 रुपये थी और डीजल की कीमत लगभग 40 रुपये थी, लेकिन दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते हुए इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ा दिया है कि पूरे देश की जनता त्राही त्राही करने लगी है। और आज कटनी जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सारे कांग्रेस साथियों के सहयोग से आज यहाँ मिशन चौक पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए हम लोगों ने मांग की है कि तत्काल पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी कीमतें हैं उनको वापस लिया जाए। और गैस सिलेंडरों की कीमतें भी बढ़ी हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें भी निरंतर बढ़ी है। खाद्यान्न का जो तेल है वो कांग्रेस के समय में 55-60 रुपये लीटर था, वो आज 125-200 रुपये लीटर हो गया है। इन सब महंगाई, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका बिना किसी कारण के मोल ना बढ़ गया हो। पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। तो हम लोगों की मांग है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। महंगाई को लेकर आप कोई ज्ञापन देने वाले हैं? ज्ञापन हम लोगों का नहीं देना था, हम लोगों का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। आज हमारे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने घरों से अपनी मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहनों में नहीं आए, बल्कि साइकिल चलाते हुए धरना स्थल पर आए। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हमारे साइकिल से कार्यकर्ता आए, पैदल आए और अपने वाहनों से भी आए, और सब लोगों ने आज हजारों की संख्या में आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया। जिस दिन से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उस दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और इनका पूरा उद्देश्य हम दो हमारे दो की ओर है। क्योंकि इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब अडानी अंबानी लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इस कांग्रेस सरकार के साथ समझौता कर लें और बैरल का जो 6 रुपये रहा उसको 8 और 12 करा लें, मगर वो कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों ने मना करा। मोदी जी की सरकार में जब सहमति बनी उनके साथ तो आज 8 और 12 बैरल करके और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो अडानी अंबानी की को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जा रहा है। इन्हें गरीब आम जनता से कोई मतलब नहीं। और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, इस पर क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर के लिए तो मोदी ने बोला बढ़ती कीमतों की आप चिंता मत करें। आपने एक वीडियो आया होगा मोदी जी का, मोदी जी ने बोला गंदी नाली में एक गैस का पाइप डाल दें। क्योंकि मैं चाय बनाने वाला व्यक्ति हूँ तो चाय बनाना मैं जानता हूँ, तो गंदी नाली में एक पाइप डाल दें, उससे जो गैस बनेगी उस गैस से आप चाय बनाएं, ये मोदी जी ने सलाह दी है। इसलिए मेरे को लगता है आम जनता जो है वो मोदी जी जो सलाह दी थी नाली में गैस का पाइप डाल के चाय बनाओ तो उसका प्रयोग कर रही है, उनको शर्म आना चाहिए कि इस महंगाई में जब पूरा गरीब मध्यम वर्ग विशेषकर टूट गया है, आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, ये कोई आपकी वो है मानवता है? GST से आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं तो इसमें डीजल और पेट्रोल में? पूरे देश में एक कानून की बात करते हो, एक टैक्स की बात करते हो, इसमें क्या हो रहा है? ये बहुत निर्दयी सरकार है, इनको कोई मतलब नहीं है। हम जो हमारे लोग, आपका शुभ नाम? राकेश जनता।